चलो इस बहाने मैं भाषण के लिए भी मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी। जो आपने बात बोली सही है, ना लाइट है वहाँ ना कुछ, एकदम परफेक्ट बात है। मतलब कट इतने लगते हैं, पूरा दिन हमें वेट करना पड़ता है, 12 बजे लाइट आएगी, उस टाइम पे फ्रिज ऑन होगा, उस टाइम पे सब चीजें होंगी, तो हम इतना हमें फेस करना पड़ता है। लाइट रात को पंखा लेके सोते हैं, रात को मच्छर इतने होते हैं वहाँ पर, क्योंकि तालाब वालाब कहाँ पर जाएंगे ये सब चीजें, तो है बहुत बहुत समस्याएं आज भी। आपके पास आज मंच आ गया है, सीख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले जीवन के पल है चार, याद रख मरना है एक बार, मरने से पहले जीना सीख ले। रेडी या इतनी गुर्बत में इंसान होता है तो एक सहारा ढूंढता है एस्ट्रोलॉजर्स का, टैरो कार्ड का, तो उन्होंने हाथ देखते ही बोला हो तुम आगे जाकर प्रोस्टिट्यूट बनो। एक एक दिन मेरा ऐसा है, आगे कैसे बढ़ाऊं। जो हमारे खुद के परिवार वाले लोग थे, उन्होंने मेरे पापा को दारू पीने की बहुत गंदी आदत थी, तो उनसे पिला पिला के उन्होंने साइन ले लिए थे, तो हमारी प्रॉपर्टीज भी चली गई थी। फिर से वो थोड़ा ठीक हुए तो वो दारू वारू पीना फिर से शुरू हो गया, तो वो फिर एक बार दारू पी के फिर छत से गिर गए नीचे। दारू में वो मेरे भाई छोटा था, तो बोले कि मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, और वो दीवार पर लेट गए, तो छीना झपटी में जैसे मम्मी और मेरी बड़ी दीदी उनको संभालने लगी कहीं गिर ना जाए, तो मम्मी ने एकदम से भाई को खींच लिया और मेरे पापा नीचे गिर गए। हरियाणा में भी ऐसा कल्चर रहा है, हम सबको ये बात का पता है, ऑनर किलिंग्स, भ्रूण हत्या। मेरे पापा ने मम्मी को अबॉर्शन करा दिया। हाँ जी, 2-3 बार तो अबॉर्शन हुआ उनका, लड़के के चक्कर में। अबॉर्शन होने के बाद पता चला कि वो लड़का था, 7 मंथ में उनका अबॉर्शन करवाया गया था। आप सबका स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में, और मैं हूँ रिदम दत्ता। आज की जो फनकारा है वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और शोबिज की जिंदगी में उन्होंने अपना नाम अपने बोल्ड किरदारों की वजह से कमाया, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल ही विपरीत है। और बहुत ही छोटे समय में शोबिज से पॉलिटिक्स तक का भी सफर उन्होंने बड़े अच्छे से तय किया है, और उनकी शान में आज मुझे बशीर महताब साहब की ये लाइन याद आ रही है, और वो कुछ इस तरह है, हम हथेली पर जान रखते हैं, हम हथेली पर जान रखते हैं और तेरी अमान रखते हैं, चंद अशकों के वास्ते जनाब, चंद अशकों के वास्ते जनाब, तेरी बातों का मान रखते हैं, खामोशी मसल्लत रही हमें, खामोशी मसल्लत रही हमें, वरना हम भी जबान रखते हैं। तो स्वागत करते हैं कंगना शर्मा का। कंगना बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो इस जीवन में किस बात का इंतजार है? देखिए, मुझे इस जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार है, और जो चीज़ें मैं चाहती थी वो शायद मैं जी रही हूँ और मैं वो पूरी भी कर चुकी हूँ कुछ हद तक, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी है। मैं कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे लोग याद रखें और एक उदाहरण बन के मैं रह जाऊँ मेरे जाने के बाद भी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। और बहुत थोड़े से ही समय में आई थिंक यू गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, सक्सेस मिली है, तो ये जो क्रेडिट है कंगना, आप इसे अपने उन बोल्ड किरदारों को देना चाहोगे या कोई और चीज़ है जो आपको लगता है आपकी सक्सेस का मापदंड है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को थैंक यू बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो डिसीजन लिया वो मैंने लिया। डिसीजन लेने के बाद थैंक यू मैं अपने परिवार को बोलती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने चाहने वाले अपने फैंस को बोलती हूँ। कंगना, मुझे एक बात याद आ गई, बहुत पहले की बात है, हमारी बात हो रही थी यू वर टेलिंग मी कि यू नो आपके साथ रिवर्स प्रोसेस लाइफ ने करा है। कई लोगों के लिए एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन आपके लिए एक्टिंग की दुनिया ज़्यादा आसान रही, और जो आपको एक्टिंग से पहले की दुनिया थी वो आपके लिए काम की बहुत टफ थी, तो ये क्या स्टोरी थी? इसके पीछे मुझे जो लगता है कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं अगर कम होती हैं तो हमारा संघर्ष भी उतना ही कम होता है। तो मैं लेट्स टेक इट इन दैट वे। तो उस समय पर मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी, मेरी जो ज़िंदगी की जो मेरे उसूल थे या फिर जितना मैं पाना चाहती थी उसके हिसाब से वो काफ़ी था, क्योंकि उस समय मुझे ये लगता था कि मुझे घर वालों के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, और मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे रेंट भी देना है,
मुझे अपने कपड़े भी लेकर आने हैं और घर वालों की भी जो नेसेसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पूरा करना है। तो मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी वो बहुत छोटी थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा छोटा संघर्ष हो गया। लेकिन इस लाइन में आने के बाद जैसे ही मैंने मॉडलिंग से शुरू किया, मुझे लगा मेरा फेस बहुत अच्छा है और अच्छा जा रहा है, तो अब मेरी और भी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी उसके बाद। लेकिन हाँ, मुझे ये हुआ एक्टिंग में आने के बाद कि हाँ, मुझे चीज़ें थोड़ा सा इजी हो गई, कि लुक की वजह से मुझे और जल्दी जल्दी चीज़ें मिलने लगी। इतना ज़्यादा भी काम नहीं किया है, लेकिन इतना कम भी नहीं किया कि लोग ना जाने। आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, एंड हाउ डू यू फील फर्स्ट एंड द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू हैव डन व्हिच इज ए रेटेड बोल्ड कैरेक्टर्स, कभी दिमाग में ऐसा आए कि लोग तो मुझे जज कर रहे हैं, और कैसी मनोस्थिति रहती है फिर? हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई जज कर रहा होता है। ये एक वी ऑल आर ह्यूमन, और ये हमारी एक हमारे ऑरा के साथ में ही जुड़ जाता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं। अभी आप भी मुझसे बात कर रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि किस तरीके से बात कर रही है, क्या ये मेरा एडिट सही हो पाएगा उस एंगल से, या फिर मैं अगर कुछ मिस्टेक भी कर देती हूँ। तो हम जजमेंट करते रहते हैं, और जजमेंट हमारे साथ हमारे माता पिता से ही शुरू हो जाती है, हमारे बचपन से शुरू हो जाती है। बच्चा छोटा सा जब पैदा होता है, आई एम अ मदर, तो मैं अपने से ही मैं लगाऊंगी। हम सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा बिहेव कर रहा है, पता नहीं बड़ा जाके, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो कैसा बिहेव करेगा, ये दूध नहीं पी रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा, या फिर अगर बच्चा स्टडी नहीं करता है तो अरे ये तो बहुत नालायक है। हम खुद ही माँ बाप होते हुए हम खुद ही जज करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को, तो बाहर वालों से तो हम क्या ही कहें। जो बोल्ड रोल्स होते हैं, दे आर वेरी वेल पेड, दोज एक्टर्स आर वेल पेड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जो कैरेक्टर्स किए विच आर वेरी बोल्ड ऑन स्क्रीन, यू डिड इट फॉर अ रीजन टू मेक मनी एंड टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द सिटी, और इट वाज फॉर फेम? दोनों ही चीज़ें आप कह सकते हो। कि सबसे पहले तो मुंबई में आने के बाद आपको एक शुरू से शुरुआत करनी होती है। आप किसी को नहीं जानते हो, जो कि मेरे केस में था, मैं किसी को नहीं जानती थी, इनफैक्ट घर भी नहीं था। तो आपका जो एक संघर्ष होता है, जो आपका स्ट्रगल होता है, वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सिखा देता है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर जो है वो मैं बाहर निकालूं, लोग मुझे देखें, और जो भी कैरेक्टर्स की, जो भी डायरेक्टर की, या फिर जो भी एक स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, मैंने उसके हिसाब से किया है। और आज के समय पर अगर आप देखें, किसी भी अगर आप फिल्म में देखें, वेब सीरीज़ में देखें, या सॉन्ग में देखें, हर जगह पे बोल्डनेस है। बोल्ड रोल करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जो कि आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी क्लीशे बन गया है, क्योंकि सेम रोल्स सेम तरीके से कोई बड़े बैनर या ब्रांड्स में होता है, तो दे आर कॉल्ड एज वेरी गुड रोल्स इन एक्टिंग, और अगर कोई वो सेम बैनर कहीं और कोई और एक्टर कर रहा है विदाउट दैट बैनर, तो देन वो जजमेंटल हो जाते हैं। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ये है? ये तो बिल्कुल है, कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, या फिर अपने फिल्म इंडस्ट्री में आ जाओ, अगर आप एक बड़े बैनर की धर्मा प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप करण जौहर मतलब यशराज प्रोडक्शन में कर रहे हो, तो उनके बैनर्स या फिर उनका एक अलग ही रेस्पेक्ट लेवल होता है। और अगर आप इसी तरीके से किसी एक नॉर्मल वेब सीरीज में कर लेते हो, तो उसका लोग हम खुद ही जजमेंट करने लग जाते हैं। बोल्डनेस की बात हो रही है, सीक्रेट गेम्स एक ऐसी वेब सीरीज आई ए रेटेड में आई थी, जिसने हर बोल्ड चीज़ों के रास्ते तोड़ दिए, तो आप क्या कहना चाहोगे ओवरऑल, हाउ बोल्ड वॉज दैट वेब सीरीज एंड वहाँ पर कितना लोगों ने जज करा बोल्डनेस को? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर धर्मा प्रोडक्शन अगर वही बोल्ड सीन्स दिखा रहा है, तो उसको लोग बोलेंगे अरे उसने तो रणवीर सिंह के साथ किया, उसने तो सलमान खान के साथ किया, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें ढक जाती हैं। लेकिन आप अगर एक सिंगल एज अ वुमेन सेंट्रिक फिल्म करते हो, और किसी छोटे प्रोडक्शन में करते हो, वहीं पर आपको लोग जज करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप यशराज के साथ काम नहीं कर रहे हो। तो अगेन इट्स अबाउट जजमेंट, यू नो हाउ वी रिएक्ट टू इट। धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो रही है, अभी जैसे बायकॉट ट्रेन चला था, अब जैसे ब्रह्मास्त्र आई, सब लोग बायकॉट बोल रहे थे, लेकिन उसने जो कलेक्शन किया या फिर जिस तरीके से वो हिट हुई है, तो अब कुछ भी कहते रहो लेकिन वो हिट हो चुकी है। और इसका डिपेंड हमारा, हमने अभी रिसेंटली कुमुद मिश्रा जी के साथ एक इंटरव्यू किया था, और आपकी बात से उनकी याद आ गई, उन्होंने कहा था कि बिना बायकॉट के भी फिल्में नहीं चली हैं, और फिल्में चली हैं, बायकॉट के बाद भी फिल्में चली हैं, और बहुत पैसा कमाया उन्होंने। आप लाख चिल्लाते रहिए, अगर फिल्म अच्छी बनी है तो लोग जाएंगे। ब्रह्मास्त्र
से ये प्रूव हो गया है कि लोग गए हैं, आप लाख बॉयकॉट करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि बॉयकॉट करते करते ही वो हिट चली गई। तो इट डिपेंड्स, अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है तो लोग देखना पसंद करते हैं। बचपन में चलते हैं आपके, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारी कंगना हरियाणा से है, हरियाणा की शेरनी है, तो किस तरह का बचपन रहा और क्या क्या यादें हैं आपके? मेरा बचपन कुछ ज़्यादा सही नहीं गया है, क्योंकि मैं वैसे दिल्ली में पैदा हुई हूँ और आज से 25-30 साल पहले जो मेरे पापा जो अर्न करते थे उस समय पर 5 लाख रुपए आज के 25 लाख रुपए हैं। मतलब महीने के उस समय पर 5 लाख रुपए कमाते थे, और जो कि आज के 25 लाख हैं, उस समय पर बहुत ही 5 लाख को ये माना जाता है बहुत अमीर लोग हैं, मतलब एक वो धारणा होती थी। तो दिल्ली में हमारे बहुत अच्छे अच्छे 2-3 हमारी बिल्डिंग्स थे, हमारे घर थे, बहुत अच्छा अच्छा था। उसके बाद में मेरे पापा का क्या हुआ, वो शराब बहुत पीते हैं, पीते थे और पीते हैं। तो हमारे जो घर था वहाँ पर बिजली की ना इतनी बड़ी बड़ी तारें वहाँ पर जाती, मतलब जैसे एक कॉलोनी में एक सबसे मेन तार होती है, उन्होंने शराब पी हुई थी, वो ऊपर जाके चढ़े और वो लाइट लगाने के लिए चले गए। तो जैसे वो वहाँ पर गए लगाने लगे, स्ट्रगल किया होगा, तो इतने में बिजली ने उनको कैच कर लिया। अरे तो उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल झुलस गई थी, तो बिल्कुल पूरे जल गए थे। और वो मैं मतलब जैसे यहाँ पे लेटे हुए हैं तो वो फूल के इतने ज़्यादा हो गए थे कि डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया था कि ये अभी बचेंगे नहीं। तो जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनके हाथ काटने पड़ेंगे अभी। ओह माय गॉड। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाथ तो मत काटिए, क्योंकि वो जहर फैल रहा था बॉडी में। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाथ मत काटिए, मुझे गूज़बम्स आने लगे। तो मेरी मम्मी ने कहा हाथ मत काटिए, एटलीस्ट वो अपने हाथ धो पाएंगे, खुद से कुछ कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ देखिए। मेरी मम्मी ने इतने हाथ पैर जोड़े, और हम भी छोटे थे, हमें भी बहुत चोटें आई थी। ओके। क्योंकि पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था मुझे यहाँ पे, अब तो मुझे थोड़ा वो करना पड़ता है, फिलर्स करना पड़ता है। फिर वहाँ से हमें फिर शिफ्ट होना पड़ा हरियाणा, क्योंकि काम वाम सब बंद हो गया था। तो मेरा बचपन ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि हम अपने परिवार के ऊपर हम बेस होके हरियाणा में गए थे कि हमारे ताऊ चाचे हैं, मेरी दादी है, सब लोग हैं जो हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे, और हम बहुत छोटे छोटे थे। ऐसा लगा उस दौरान कि अब आगे लाइफ कैसे जाएगी, मैं एक एक दिन मेरा ऐसा है, आगे कैसे बढ़ाऊँ? मैं जब 4th क्लास में थी, जब मैं अपने हरियाणा में, मैं जींद से हूँ बेसिकली, मतलब जो मैंने कॉलेज और अपनी पढ़ाई की वहाँ पे की है। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मेरे पापा ठीक हुए, ठीक होने के बाद फिर से उन्होंने दारू पीना शुरू कर दी, और हमारे जो हमारे खुद के परिवार वाले लोग थे उन्होंने, मेरे पापा को दारू पीने की बहुत गंदी आदत थी, तो उनसे पिला पिला के उन्होंने साइन ले लिए थे, तो हमारी प्रॉपर्टीज़ भी चली गई थी जो दिल्ली में जो भी हमारा था। वहाँ पे जाने के बाद वो थोड़ा ठीक हुए, मम्मी ने उनको ठीक किया, हम सब ने बहुत सेवा की, वो ठीक हुए। फिर से वो थोड़ा ठीक हुए तो वो दारू वारू पीना फिर से शुरू हो गया, तो वो फिर एक बार दारू पी के फिर छत से गिर गए नीचे। तो छत से गिरने के बाद उनका जो आफ्टर द इंसिडेंट वहाँ पे वो छत से गिर गए, क्योंकि दारू में वो मेरे भाई छोटा था, तो बोले कि मैं इसको लेके जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा, और वो दीवार पर लेट गए जो मतलब हाँ। तो छीना झपटी में जैसे मम्मी और मेरी बड़ी दीदी उनको संभालने लगी कहीं गिर ना जाए, तो मम्मी ने एकदम से भाई को खींच लिया और मेरे पापा नीचे गिर गए। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा कमी हो गई थी उस टाइम पे, मतलब बहुत ये तो जैसे 10%, मतलब आई कांट इवन टेल इन वर्ड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और बचपन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है, तो उनके दिमाग में कमी हो गई उस समय, और हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वो 8 साल की थी उनकी शादी हो गई थी, और 8 साल की शादी होने के बाद मतलब 2-3 साल के बाद वो अपने ससुराल आ गए थे जी, वहाँ पे उस समय बहुत छोटे छोटे हैं, और मेरी मासी जी की भी शादी इकट्ठी थी। मतलब बचपन मेरा बहुत ही ज़्यादा टफ गया है। तो फिर वो सब होने के बाद में मेरी मम्मी ने कमाना शुरू किया, लोगों के खेतों में काम करना शुरू किया, हमने भी साथ साथ में, मम्मी ने ईंटें भी ढोई, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमने साथ साथ में वो चीज़ें देखी है, तो उसको बयान करना अभी बहुत मुश्किल है। अभी मैं हंस रही हूँ, बट एक एक सेकेंड वट एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ दैट्स आई कैन नॉट फॉरगेट। Do you want to have a glass of water? Yeah, I think I don't mind. I'm okay, Shree Pira. आप ठीक हो? Feeling okay? I'm fine, yeah. Oh,
यही देखिए, हमारे दर्शकों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि लाइफ में कितने भी नीचे रहो आप, फिर भी एक शक्ति खुद के अंदर मन की होती है जो आपको ऊपर लेकर जाती है। कंगना शर्मा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जैसा भी बचपन देखा, आज वो जिस तरह की शख्सियत हैं, जिस लेवल पर हैं, वो हम सबको एक अच्छा उदाहरण दे रही हैं। और हरियाणा की बात हो रही थी, तो हरियाणा में भी ऐसा कल्चर रहा है, हम सबको ये बात का पता है, ऑनर किलिंग्स, भ्रूण हत्या, ये एक समय था जो जब हम पेपर्स में पढ़ते थे तो आए दिन ये आता था। तो अगर मैं इस तरह का माहौल के बारे में जानना चाहूँ तो कैसा था आप जब वहाँ पे बचपन में थी? जब मैं हरियाणा में थी उस समय से लेकर अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, मतलब लेकिन अभी भी उस हद तक नहीं हुई है कि हम कह सकें कि सब चीज़ें परफेक्ट हैं। जब मैं छोटी थी, एज आई टोल्ड यू कि मेरी मम्मी की शादी हुई थी जब वो 8 साल की थी, और उस समय मेरी एक्चुअली मौसी की शादी थी, और मेरे जो बड़े पापा, मेरे बड़े ताऊजी थे, वो CRP पुलिस में थे, तो वो आ नहीं सके अपनी शादी वाले दिन। तो मेरी मासी को फ़ोटो से फेरे लेने पड़े थे। एक फ़ोटो के साथ उनकी शादी हुई थी, जो मेरे ताऊजी की फ़ोटो थी उसके साथ उनकी शादी कराई गई थी। तो मेरे दादाजी ने उस समय अपनी पगड़ी मेरे नाना जी के सामने रखी कि हमारी इज्जत का सवाल है, और मेरी मम्मी मेरे पापा से 15-16 साल छोटी हैं। मेरे पापा मतलब आप समझ लीजिए कि कितने साल के होंगे जब मेरी मम्मी 8 साल की होंगी। तो उसी समय से लेके ये रूढ़िवादिता और ये जो 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 इतने पुराने टाइम से जो चीज़ें चली आ रही उसी समय से हैं। ऊपर से मम्मी पढ़ी हुई नहीं थी, तो वो आने के बाद उनको फिर बच्चे भी पैदा करने हैं, छोटी इतनी है लेकिन फिर भी उनको एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी मेरे दादा दादी को कि रामफल का बच्चा हो जाए, मेरे पापा का नाम रामफल है, कि उनको लड़का ही हो, एक वो भी चीज़ है। मम्मी को कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि बहुत छोटी थी और एक शरीर आपका रेडी नहीं होता है कुछ टाइम तक, तो उनको कुछ टाइम तक नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद उन्होंने ताने देने भी इतने शुरू किए कि अरे ये तो बिच्छू भी पैदा नहीं करेगी, मच्छर भी पैदा नहीं करेगी, तो बांझ बांझ बोलना वो एक सिनेरियो वहाँ पर शुरू हुआ। तो कुछ समय बाद फिर मम्मी को मेरी बड़ी सिस्टर हुई, बड़ी बहन हुई, तो लेकिन वो ये चाहते थे कि मेरे पापा भी, मेरी दादा दादी भी, मतलब हमारे परिवार वाले की लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर दोबारा से लड़के के होप में दोबारा से लड़की हो गई मेरी दूसरी दीदी, फिर तीसरी होप हमने उन लोगों ने लगाई कि अब तो होगा, फिर तीसरी मेरे से एक और बड़ी थी वो हो गई, बट वो पैदा होते ही वो चली गई। फिर मैं पैदा हुई, तो वो लड़के की होप में इतना ज़्यादा उन लोगों ने किया, फिर लास्ट में जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर उन्होंने डॉक्टर ने किसी ने बोल दिया, मेरे बाद में डॉक्टर ने किसी ने बोल दिया कि ये तो लड़की है, तो मेरे पापा ने मम्मी का अबॉर्शन करा दिया। हाँ जी, 2-3 बार तो अबॉर्शन हुआ उनका लड़के के चक्कर में। अबॉर्शन होने के बाद पता चला कि वो लड़का था, 7 मंथ में उनका अबॉर्शन करवाया गया था, तो इट वॉज़ क्वाइट टफ। जब पता चला, जब पैदा हुआ कि वो लड़का है, फिर रिग्रेट हुआ। उसके फिर कुछ टाइम बाद फिर से मम्मी प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसके बाद मेरा भाई पैदा हुआ। तो इस तरीके से है ये, इतने टाइम से चली आ रही हो और मैं तो बचपन से ये सब चीज़ें देखती आ रही हूँ। फिर उसके बाद में जैसे हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, सर पे चुन्नी रखो, आप बड़े गले नहीं पहन सकते हो, काजल नहीं डाल सकते हो, या फिर आप घर के बाहर गेट पे नहीं खड़े हो सकते हो। कई कई बार होता है ना ऐसा अक्सर कि हम तो आगे बढ़ जाते हैं, वो दर्द दिल में रहता है। आपको आज भी ऐसा महसूस होता है वो, कि हैव यू मूव्ड ऑन? बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो दर्द लेके ही मैं आज अगर कुछ कर पाई हूँ तो उस दर्द के साथ कर पाई हूँ। और मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, एक मेरी सिस्टर थी जो मुझसे बड़ी थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 23-24 साल में वो चली गई थी, उनको कैंसर था। उनकी 2 बार शादियाँ हुई थी, और पहली शादी ठीक नहीं रही तो जबरदस्ती उनकी दूसरी शादी करवा दी गई, जिसके गम में उन्होंने मतलब उनको कैंसर हो गया, और हमें तो ये तक भी नहीं पता था कि उनको वो चीज़ें पनप रही हैं। तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट था, और घर में इतना कमाई का साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई थी। तो स्पेशली मैं अगर घर से बाहर निकली थी तो सिर्फ अपने घर की वजह से ही मैं बाहर निकली थी, कि मैं एटलीस्ट 5 लोग परेशान नहीं होने चाहिए, एक इंसान अगर
परेशान हो जाए तो एटलीस्ट चार लोगों का ख्याल रखा जा सकता है, चार लोग खुश होकर रह सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वो आज भी रहता है कि उस समय अगर मेरी सिचुएशन जो आज है उस समय होती और काश मेरी बहन मेरे साथ अभी भी होती। आपके माध्यम से और जो भी ये शो देख रहे हैं उनको एक चीज़ मैं आज ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मैंने बहुत सुना है अबाउट यू नो गर्ल्स, मैं एक बाप हूँ, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय अ ब्यूटीफुल डॉटर एंड देयर इज नो अदर बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड टू हैव अ डॉटर एंड वी आर ऑल्सो टू ब्रदर्स, बट मेरे घर का माहौल एक लड़की ने ऐसा बदल दिया, मैं पहले मेरी पत्नी ने फिर मेरी बेटी ने, तो जिनकी भी ऐसी मानसिकता है आई थिंक उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर है जो वो अपने को अपलिफ्ट करें, बिकॉज गर्ल्स आर ब्रिलियंट एंड जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़बरदस्त है। चलिए हरियाणा की बात हो गई, अब हम वापस दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आप आए और आपने मुझे एक बार बताया था ये कि दिल्ली दिलवालों की है रिदम, बट मेरे लिए तो जरा भी दिल्ली दिलवालों के लिए नहीं रही, तो ऐसे क्या हो गया वहाँ पे? देखिए आप ना एक नई जगह पर जब जाते हो तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका स्ट्रगल उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि ना तो मुझे मेरी लैंग्वेज पे पकड़ थी, ना तो मुझे प्रॉपर हिंदी बोलनी आती थी, ना ही मुझे इंग्लिश आती थी, तो और दिल्ली में भी प्रॉपर कुछ नहीं आता है, मैं भी दिल्ली से हूँ, वहाँ पे भी हर तरह की भाषा चलती है वहाँ पे। आपके पीछे जब आपके परिवार वाले नहीं है वो खुद आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप खुद अकेले और बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी टफ, आप बाहर जाकर शिफ्ट होते हो, आपको घर भी देखना है, कैसे आपको रेंट पे रहना है, आपको जॉब भी ढूंढनी है, और आपके दिमाग में वो सारे इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि बात तक नहीं करनी आती थी और कभी इस तरीके से निकले नहीं। और मैंने जॉब शुरू कर दी थी जब मैं 16 साल की थी। Okay. मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैंने नहीं की होगी, रिसेप्शनिस्ट से लेकर मॉल में शॉपिंग मॉल में काम करने से लेकर बच्चों को टीचिंग करने से लेकर कॉल सेंटर में जॉब करने से लेकर, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया होगा, एंड आई प्राउड ऑफ यू नो डूइंग दैट, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे लाइफ से मिले और जो मैं आज पॉजिटिव हूँ सिर्फ उन चीज़ों की वजह से हूँ। मैंने सोचा कि हम मेरी एक जिस मैं पीजी में रहती थी तो रश्मि दीदी उनका नाम था, तो वो मुझे लेकर गए कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारा कुछ यू नो इतनी परेशानियां तुम्हें हो रही हैं, और ऊपर से मेरी बहन ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी उस समय दिल्ली हरियाणा में, तो मुझे मेरा ये था कि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं एंड मुझे घर पर भेजना होता था। तो मैंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कुछ मेरी सिस्टर के बारे में भी, क्योंकि वो शी वॉज ऑन द लास्ट पीक, उनका टाइम चल रहा था, तो एस्ट्रोलॉजर के पास गई मैं, तो उनसे मिलवाया, उन्होंने मेरा हाथ वाथ देखा और उन्होंने पता नहीं उनकी क्या ही प्लानिंग थी या क्या चीज़ था मुझे नहीं पता, तो उन्होंने हाथ देखते ही बोला ओ तुम आगे जाकर प्रोस्टिट्यूट बनो। अरे उन्होंने मेरे हाथ में देख के ये बताया कि मैं प्रोस्टिट्यूट बनूंगी, तो पहला ही जैसे हाथ दे के उन्होंने ये मुझे बात बोली तो मेरा दिल के साथ साथ मेरा हौसला मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल बिखर गई कि एक इंसान किसी एक एस्ट्रोलॉजी की आड़ में क्या वो आपके मुंह पे लिखा होता है कि आप ये सब करने वाले हो या ये सब करोगे, और वो भी एक पंडित होने के नाते एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, आपको एक विद्या आती है जो आप इतने टाइम से सीखते हो और आप कहीं ना कहीं आप भगवान के एक मैसेंजर होते हो जो दुनिया को आप गाइड करते हो ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से या फिर बहुत चीज़ों के माध्यम से, तो वो ही ऐसी बात मैं गई हूँ अपने हौसले के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं इतनी टूटी हुई कि मेरी सिस्टर का टाइम चल रहा था कि वो कभी भी किसी टाइम भी हो सकती थी, तो आप उस टाइम पे इस तरीके की बातें करके और ये सब बातें, तो जैसे मैं उनके पास गई उन्होंने हाथ देखा और हाथ देखते मुझे कहा कि ये लड़की प्रोस्टिट्यूट बनेगी आगे जाके, तो मुझे आई हैव जस्ट स्टेप्ड बैक कि मैं जहाँ पर जिस इंसान से एक होप में आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी टूटी हुई थी, मेरी सिस्टर एक लास्ट स्टेज पे थी, मुझे एक ये था कि मुझे होप मिल जाए और शायद कुछ ग्रो का खेल हो, जैसे कि हम बहुत बिलीव करने लग जाते हैं बचपन से ही, हमें वो चीज़ें होती हैं कि कभी फास्ट रखना कभी ये सब, तो एक बिलीव रहता है कि हाँ कुछ तो सही हो सकता है, शायद मैं कुछ उपाय करूँगी या कुछ, तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो उनका मतलब कुछ और था बोलने का, क्योंकि उसके बाद में जो उन्होंने मुझे कहा दैट आई कैन नॉट इवन रिवील इन फ्रंट ऑफ कैमरा बिकॉज वो सही नहीं होगा बोलना। तो कंगना इतने इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं लाइफ में मेंटल स्टेट और सेल्फ बिलीफ पे आपको धक्का लगता है, मगर वो क्या ऐसी शक्ति होती है जो आपको वापस बाउंस बैक कराती है और आपके अंदर का वो मोटिवेशन कैसे जागा वापस?
क्योंकि मेरी फैमिली में मैं ही सिर्फ एक मर्द हूँ जो मैं कमा रही हूँ, और मुझे ही अपने भाई का ख्याल रखना है, मुझे ही अपनी मम्मी को देखना है, मुझे अपनी सिस्टर को देखना है, और मुझे ही सबको देखना है. तो मुझे आई हैव टू बी स्ट्रांग. तो मैं स्ट्रांग बनी. उसके बाद बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारी चीज़ें भी की. उसमें चाहे बोल्ड रोल आए या फिर नॉर्मल आए, मैंने हर तरीके के कैरेक्टर भी किए, हर तरीके का, चाहे कैसे ही भी है, मैंने हर अपनी शेड दिखाई. और मैंने जिस तरीके से मुझे पैसा कमाना अच्छा लगा, मैंने उस तरीके से कमाया, और उस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर कुछ भी किया तो एक गुड कॉज के लिए किया. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर 5 लोग हैं तो 5 में से एक ही दुखी हो जाए, 4 अच्छे से रहे, तो मेरा शुरू से मेरा वही मानना था. नहीं, और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा. आपने कहा आप ही मर्द हो, मैं ये कहना चाहूँगा यू आर द फीमेल अ लॉट ऑफ मैन एंड फीमेल वुड लुक अप टू एंड वांट्स टू बी लाइक यू. सो आप जो हो वो आपने बहुत ज़बरदस्त किया है. एक काम आपने और ज़बरदस्त किया है, वो क्या? शादी. शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? ये लड्डू खाकर कैसा मजा आ रहा है? बिल्कुल, देखो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और शादी के बाद ना आपका एक दूसरा जन्म होता है. जो मुझे लगता है शादी से पहले की लाइफ और उससे पहले का स्ट्रगल एक अलग था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही होल एंड सोल हूँ, मैं ही सब कुछ, मुझे ही सब कुछ करना है. तो मैं उस तरीके से मैं बहुत स्ट्रांग थी. शादी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि मेरी मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा भाई भी मुझे छोड़ के चला गया, और लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं शादी के बाद जो एक्सपेक्टेड नहीं था. एक होता ना, इंसान अपने सिर्फ घर वालों पर रिलाय होता है, और जिनके लिए आप सोचते हो वही आपके साथ उस तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रख देती है वो वाक्य आपकी लाइफ के. मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बट इतना कहना चाहूँगी हाँ, शादी के बाद की मेरे हस्बैंड की तरफ से He is the best man in my life that I've ever got. And you're also a mother now. So, वो फेज आप I'm sure enjoy कर रहे होंगे. Mother face I'm enjoying too much because मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं एक अच्छी तरीके से माँ बन पाऊँगी, और एक वो feeling ही बहुत अलग है. तो yes, I'm. और अब आपकी एक second innings की शुरुआत हो चुकी है, और बहुत ही young age में आम आदमी पार्टी से आप जुड़ चुकी हैं. तो ये कैसे जुड़ाव हुआ आपका? मैं शुरू से ही मैं कुछ करना चाहती थी. जैसे कि मैंने बताया कि हम सब यहाँ पर एक रीज़न के लिए हैं, एक कारण के लिए हैं, और मेरा ये है कि मैं अगर जाऊँ लाइफ से तो मेरा नाम होना चाहिए कि हाँ, ये लड़की ने सिर्फ कहा नहीं, ये करके दिखाया है. शी बॉन्ड हेयर फॉर अ पर्पज. तो हम सब वैसे तो पर्पज़ के लिए हैं. और जो ये दूसरी इनिंग की जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं मेरे शुरू में था कि मेरे पास दो हैं, ए एंड बी प्लान. ए मेरा एक्टिंग था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, दूसरा मुझे पॉलिटिक्स में जाना था जिसके लिए और भी ज़्यादा पैशनेट हूँ, क्योंकि वो मेरा दिल से है, ये भी मेरा दिल से है. तो यही रीज़न था कि मैंने आम आदमी पार्टी भेजी. आप लोग का गठबंधन कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर कुछ फॉलो किया? They approached you? जी बिल्कुल, हम दोनों की तरफ से ही था बराबर. ओके. तो वहाँ पर किसी ने मेरी मुलाकात करवाई थी कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो. तो वैसे भी मैंने, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो उस समय पर देखा था कि वो बहुत ही एक अलग ही उनका पैटर्न है, एक अलग ही तरीके से वो चीज़ें करते हैं. जो दिल्ली में बहुत ही नारी को सबसे पहले उन्होंने रखा, औरतों को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए बसों को अरेंज करना, और जो कि मेरे दिल में पहले से था ही. आपने. जी, तो वहाँ पर की जो गवर्नमेंट है वो लड़कियों को आगे बढ़ावा देना, और दिल्ली में आपने तो देखा ये बिजली के बिल भी इतने कम आते हैं, 24 आवर्स लाइट रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्होंने मुहैया कराई हैं. इतने सारे दल आते हैं, इतनी सारी संस्थाएं आती हैं, सब बोलते हैं कि हम ये चीज़ देंगे, हम ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, लेकिन करते क्या है एट द एंड ऑफ द डे? जब आपके इलेक्शंस बिल्कुल क्लोज आने लग जाते हैं तब वो चीज़ें करने लग जाते हैं, जैसे कि अभी भी हो रहा है. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, people like you who are very popular on social media, और भी बहुत सारे actors, वो इसलिए भी आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि उनका भी उल्लू सीधा हो जाए, उनको भी equal promotions मिले. आपको ऐसा लगता है? या they are actually looking at somebody like you who's from हरियाणा, जो जिन्होंने बहुत निजी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली है, क्या उन सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास रहता है? अब देखो, उल्लू सीधा करना ये तो आज के समय पर हम किसी को नहीं बोल सकते. अगर आप सिर्फ एक पॉलिटिक्स को टारगेट करोगे कि वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आज के समय पर हर कोई अपने बारे में सोचता है. शायद आप भी अपने बारे में सोचते हो, मैं भी अपने बारे में सोचती हूँ. सबसे पहले हम अपने आप को देते हैं. और रही बात उनकी, ठीक है, हर कोई यही सोचता है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो उस पोजीशन पे हैं वो लोगों को लोग जानते हैं,
और शायद उनको कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते भी हैं, तो एक सही भी है क्योंकि मुझे इतने सारे लोग जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं एक अच्छे मैनर्स में अगर मैं उनको गाइड कर पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया चैप्टर लिखा है पॉलिटिक्स का, और जहाँ पे उन्होंने लोगों तक अपना एक नया स्कीम ऑफ थॉट्स पहुँचाया है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेक इट फ्री टेक इट ऑल, तो ये उनका एक तरीका जैसा रहा है। तो उनकी लीडरशिप के बारे में आपको क्या कहना है? उनके लीडरशिप के बारे में सुना था इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि आपने लाइन बोली मेक इट फ्री एंड टेक इट ऑल, इतने सारे लोग आते हैं कहते हैं हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम स्कूल्स बनवाएंगे, कॉलेजेस बनवाएंगे, हम ये गड्ढे बंद कराएंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन लोग कितने करते हैं। आज जो मेरे हरियाणा में जो सिचुएशन है, मेरी जगह पे अगर आप जाके देखेंगे, वहाँ पर लड़की आज भी वही उसी तरीके से बात करती है, हाँ लड़के से बात कर ली, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लड़की बिना चुन्नी के यानी बड़ा गला पहन लिया, ऐसे कैसे पजामी पहन ली। तो मैं जब कॉलेज में जब जाती थी एक बार, तो मेरे पापा ने खुद लठ बोलते हैं उसे, लठ उठाकर खड़े हो गए थे कि तुम जा ही नहीं सकती कॉलेज, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया था क्योंकि, और मेरे सिर्फ पजामे पहने पर पंचायतें होती थी उस समय पर। इतने सारे लोग आते हैं सिर्फ बोलते हैं, और अरविंद जी ने कहनी और कथनी में फ़र्क होता है, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, उन्होंने करके दिखाया भी है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, और अब हरियाणा में भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स कहे हैं जो वो करके दिखाएंगे। देखो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, लोग क्यों वोट देते हैं, इसीलिए देते हैं ना, ताकि हमारी जो निजी समस्याएं हैं, जो इतनी सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं डेली में, हमारे गांव में लाइट तक नहीं आती है, पूरा पूरा दिन हम गर्मी में पंखे में, फ्रिज नहीं होता है, बर्फ़ नहीं जमती है, कुछ भी मतलब नॉर्मल चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं, गलियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, स्कूल्स आज भी मैं जैसे मैं पढ़ी थी उस समय पर आज भी वैसे ही स्कूल हैं, तो उनमें कुछ भी नया तब्दीली कुछ भी नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई, और दिल्ली में उन्होंने बहुत सारी निशुल्क चीज़ें मुहैया कराई, वही पंजाब में उन्होंने नारी को आधार बनाया, तो आपको ये उनका टैक्टिकल स्मार्ट माइंड लगता है, या जो अपोजिशन कह रहे हैं कि ये तो बस ऐसे ही कर गए, ये तो स्टाइल था उनका। एट द एंड ऑफ द डे हमें काम करने से मतलब है, हमारा काम होना चाहिए। आप कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे आप ये सोच रहे हैं कि नारी को आधार बनाकर किया जा रहा है या फिर उनको पागल बनाकर किया जा रहा है, काम हो रहे हैं सिर्फ मायने वो रखता है। और ये क्या हुआ कि सिर्फ बोल दिया, सिर्फ बातें ही रह गई, बाद में आके फिर पता चलता है उन्होंने इतने का स्कैम किया, और सब कुछ खुद हड़प जाते हैं, और बाद में क्या रह जाता है, जब एक साल रह जाता है इलेक्शंस का या दो साल रह जाते हैं, कि उन्होंने ये स्कूल बना दिया यहाँ पे, इन्होंने ये अस्पताल बना दिया, उन्होंने ये स्कीम बना दी, अच्छा अग्निपथ बना दी, ये कर दिया, तो जब इलेक्शंस पास में आने लगते हैं तब ये लोग काम करना शुरू करते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर पार्टी की बात करी जो इस तरीके से करते हैं, बट आम आदमी पार्टी ईमानदार गवर्नमेंट है, और वो नारी को आधार बनाकर एटलीस्ट वो नारी को प्राथमिकता दे रहे हैं जो कि आज तक किसी ने दी नहीं है। आपके पास आज मंच आ गया है, और अगर कैंपेनिंग की शुरुआत तब हुई तो आज क्यों नहीं, हरियाणा की जनता को आने वाले इलेक्शन में क्या किस तरह की कैंपेन होने वाली है, कुछ एक मुजाहिरा हो जाए। बिल्कुल, मैं तो यह बात कहना चाहूँ कि मैं हरियाणा से हूँ और मैं भी सरकारी स्कूल लाइन में पढ़ी हूँ, मैंने भी वो बिजली के कितने कट देखे हैं कि डेली मैं भी गांव में थे हूँ, और मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, कॉलेज में गई हूँ, मैं भी बसा में धक्के खा कर गई हूँ, मैंने भी जीरी पाड़ी है, मैंने भी गेहूँ काटे हैं, तो मैंने भी वही काम करे जो आप लोग आज भी देख रहे हो। तो मैं बस यही चाह रही हूँ कि हम ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी भी ईमानदार है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलके साथ में काम करें, अच्छा करें, और जो भी अच्छा हमसे हो सकेगा हम उतना अच्छा करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं औरतों के लिए मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, और मैं खुद ये चाहती हूँ कि हमारी जो हरियाणा की जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, सब आगे आएँ, सभी आगे आके अपने आप को, चाहे वो सामाजिक तौर पर है, आर्थिक तौर पर है, राजनीतिक तौर पर है, सब लोग आगे आएँ और अपने आप को ये प्रूव करके दिखाएँ कि हम भी हैं, हरियाणा वाले लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि जित दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, तो हमने वो करके दिखाना है। मैं जित भी जाऊँ इतने प्राउड तक हूँ कि मैं हरियाणवी हूँ भाई, क्यों, क्योंकि दूध और घी तो उड़े ही मिला भाई। आपसे ये जो तो रूप आपका देखा है ना, मुझे तो लग रहा है कि अब जैसे मेरे बहुत सारे एक्टर्स दोस्त हैं जो बिग बॉस गए हैं, उनका ये कुछ ना कुछ एक लाइफ स्टाइल या ऐसा तरीका है, और वही बहुत सारे एक्टर जो कहते हैं कि रियलिटी शो से दूर रहना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि
ये जो इतना अंदर आपकी जो इतना क्रिएटिव कंटेंट भरा हुआ है, हरियाणा भरा हुआ है, आपको तो रियलिटी शो में जरूर जाना चाहिए। बिग बॉस जैसे शो में आपको जाने का मन है? देखो, मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा माध्यम है जो इंसान की रियलिटी खोल के रख देता है। वो एक एंगर भी दिखाता है, एक प्यार भी दिखाता है, भाईचारा भी दिखाता है, आपको भावुक भी करता है, आप रोते भी हैं। और बिग बॉस एक ऐसा माध्यम है जो आपके हर इमोशंस दिखा देता है, चाहे वो हंसने के इमोशंस हो, रोने के हो, लड़ाइयाँ हो, और आप उस लड़ाई में किस तरीके से कंट्रोल करते हो, तो वो सब एक बिग बॉस ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच्चाई दिखाता है। चलिए फर्ज करते हैं आप चले जाओगे बिग बॉस में, तो जनता आपको किस तरीके से देखने वाली है? बिल्कुल, देख लो बिग बॉस, आप सुन लो, अगर प्लीज मुझे बुला लो तो मैं अपने आप को, मैं देखो, मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसे पोर्ट्रे करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं एक देसी, बिल्कुल सिंपल, मैं कभी किसी की गलत बातें लेती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ, और मुझे एक सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। आपका एक संजीदा बचपन रहा है और पलक झपकते ही वो चला गया, फिर आप बम्बई आए, बम्बई में आपने नाम कमाया, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आ चुकी हैं, तो आपका ये तेज तर्रार जो आपका सफ़र रहा है, इसमें आपकी रिदम ऑफ लाइफ क्या है? मेरा रिदम ऑफ लाइफ है कि मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। अभी एक टाइम था जब मैं बहुत ही नेगेटिव चली गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो उस चीज़ को एक बैलेंस करना, पॉजिटिव रहकर काम करना, और जैसा कि मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि आफ्टर एवरी सनसेट देर इज सनराइज, आफ्टर एवरी सनराइज देर इज सनसेट, और ताले से पहले चाबी बनती है, तो हर प्रॉब्लम से पहले उसका सलूशन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर धूप है तो छांव भी है। बिल्कुल, कठिनाइयां आती हैं आपके जीवन में, और बस उस समय पर अपना संयम बना के रखें, अपने आप को बिल्कुल डटा कर रखें, आप अपने आप को मजबूत करके रखें, क्योंकि आप ही हो होल एंड सोल आपकी लाइफ का। अगर आप मजबूत हो तो सब मजबूत है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जस्ट बी पॉजिटिव, बी काम, और दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की हर जो भी आपकी सोच है, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें ऊपर वाला वो पूरी करे। और जब आप एक प्रॉमिस हम चाहते हैं IMF पर कि आप पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद एक हमारा सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारा होना वाला। बिल्कुल, दैट्स डेफिनेटली। और कैसा लगा आपको हमारे शो में आकर? और ऑनेस्टली टीम इज वेरी गुड एंड वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी फ्रेंडली, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कैसा होने वाला है, क्या क्या बोलना है, एक थोड़ा सा एक दिल में एक होता है पता नहीं क्या पूछ ले आगे सामने वाला। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट माय प्लेस एंड मेक इट मोर स्पेशल फॉर मी एंड फॉर योरसेल्फ एज़ वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो मैं तो बस अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि कंगना शर्मा की कहानी अद्भुत है, उनसे हम सबको सीख लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उनसे बात करते हुए हमारे पीके बाबा की भी एक बात याद आती है, और वो ये कहते हैं कि हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपे हुए गम को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। कंगना ने भी अपने जीवन में बहुत गम देखे, बहुत परेशानियां देखी, लेकिन क्या वो साथ लेकर चली एक ताकत और हंसते रहने की शक्ति? और देखिए, हंसते हंसते वो सारे गम और परेशानियों को छोड़ाई। तो हम और आप भी ऐसे ही ध्यान रखते हैं अपने जीवन में, और कंगना की जिंदगी से बहुत मोटिवेशन लेते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, हमारे शो को जरूर देखिए, और YMF को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सर, खाने को इमोशन से जोड़ते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल का मामला है ये, और कहते हैं कि अच्छा खाना खाने से मूड एनलाइटन हो जाता है। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड न्यूरोगैस्ट्रोनॉमी, ओके, दैट टर्म इज डायरेक्टली लिंक्ड टू व्हाट यू आर टॉकिंग, योर इमोशंस, ओके, एंड it's directly linked to just not the person who's eating, it's also linked to the person who's cooking.